मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे हर नए रेसिपीज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, मसाला चाय बनाने के लिए हमें चाहिए 4 लौंग, 4 वेलची, 8 काली मिरी और फिर आधा इंच तक दालचीनी यानी कि सिनेमन स्टिक। इन सभी चीज़ों को हमें पहले कोर्सली कूट के लेना है और फिर इतना होने के बाद हमें एक पतीले में 1 ग्लास तक लगभग पानी ऐड करना है और फिर इसी में हमें वो जो कोर्सली क्रश किया हुआ मसाला था उसे ऐड करके इसी में हमें लगभग 1/4 टेबल स्पून तक जिंजर पाउडर ऐड करना है। ये ड्राई जिंजर पाउडर है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसके बदले में अदरक भी यूज़ कर सकते हो और हमें इसमें कम से कम 7 से 8 तुलसी के पत्ते ऐड करना है और फिर इस पानी को हमें कम से कम 2 से 3 मिनट तक बॉयल होने देना है और फिर इतना होने के बाद हमें इसमें 4 चम्मच तक टी पाउडर और फिर 4 चम्मच तक चीनी या फिर गुड़ ऐड करना है और फिर इसी में हमें इसी समय 4 कप दूध ऐड करना है और फिर इसे हमें बॉयल होने के लिए रखना है। तो फिर आप फ्रेंड्स देख सकते हो कि अभी ये बॉयल हो रहा है। तो फिर बॉयल होने के बाद भी हमें इसे 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही धीमी आंच पे रखना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लगभग चाय तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा चाय, मसाले वाला चाय, आप सर्दी के मौसम में, बारिश के मौसम में पियोगे तो फिर आपको सर्दी खांसी कभी नहीं होएगी, क्योंकि इसमें जो हम लोगों ने मसाला यूज़ किया है जैसे कि लौंग, काली मिरी, वेलची और फिर दालचीनी, इससे कफ जमता नहीं है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रेसिपी।